क्या है सिरकटी देवी का रहस्य, कौन है मन्नतों और मुरादों वाली देवी, कलयुग में मां भगवती के साक्षात दर्शन पर देखिए हमारी खास पेशकश आज का राज। सिरकटी देवी का 6000 साल पुराना रहस्य। तीन आंखों वाली मां का मन्नत पूरी करने वाला मंत्र। एक ऐसा स्थान जहां देवी ने खुद काट लिया अपना सर। एक ऐसा मंदिर जहां होती है सिरकटी देवी की पूजा। एक ऐसी देवी जिसके गले में है सर्पों और नरमुंडों की माला। एक हाथ में तलवार, दूसरे हाथ में कटे हुए मस्तक वाली देवी। जहां बहती है देवी के गले से रक्त की तीन धाराएं। जहां करती हैं डाकिनी और शाकिनी रक्तपान। इस मंदिर में रोजाना चढ़ती है 200 बकरों की बलि। इस मंदिर में है कामदेव और रति का अनोखा मेल। जहां होती है दुनिया की सबसे रहस्यमय तंत्र साधना। जहां हर मुराद पत्थर पर धागा बांधने से होती है पूरी। जहां बड़े से बड़ा रोग पाप नाशिनी कुंड में गायब हो जाता है। महाभारत काल का मंदिर, हजारों साल पुराना चमत्कारी रहस्य। आज का राज में देखिए कलयुग में मां भगवती साक्षात। एक ऐसा राजा जिसे मां भगवती ने साक्षात दर्शन दिए। एक ऐसी देवी जिसने अपनी सहेलियों की भूख मिटाने के लिए अपना सिर काट डाला। और एक ऐसा मंदिर जो सदियों से अपने अंदर कई रहस्य छिपाए हुए है। कौन था वो राजा जिसे देवी के दिव्य दर्शन हुए? कौन सा है वो मंदिर जहां से कोई भी भक्त खाली हाथ नहीं लौटता? आज का राज में हम आपको बताने जा रहे हैं उसी सिरकटी देवी का रहस्य। तीन आंखों वाली मां कितनी चमत्कारी। डाकिनी और शाकिनी का कैसा रक्त चरित्र। बकरों की बलि से कैसे पूरी होती है मन्नत। चाप परिधान चूलं भुशुंडिं सिरा शंखं संदधतिं करैस्त्रिनयनां सर्वांग भूषावृतां नीलाश्मत्युतिमास्य पाददशकां। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके रहस्य
आज तक कोई नहीं जान पाया, कोई नहीं समझ पाया कि महाभारत काल से ये मंदिर लाखों करोड़ों लोगों के लिए क्यों बना हुआ है सबसे बड़ा कौतूहल। कलयुग की सबसे चमत्कारी माँ भगवती के इन्हीं रहस्यों को जानने समझने के लिए न्यूज 24 की टीम पहुंची दुनिया के सबसे बड़े सिद्धपीठ। ये है माँ छिन्नमस्तिका का सबसे रहस्यपूर्ण और तंत्र मंत्र की सिद्धियों वाला सबसे चमत्कारी मंदिर। यहीं पर होती है बिना सिर वाली देवी माँ की वो अद्भुत पूजा जो युगों युगों से माँ के भक्तों के लिए आस्था का सबसे बड़ा प्रतीक है। देखिए माँ छिन्नमस्तिका का ये अद्भुत स्वरूप। इसे देखकर रहस्य, रोमांच और भय का ऐसा भाव पैदा होता है जिसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। एक हाथ में माँ का कटा हुआ सिर, दूसरे हाथ में रक्त रंजित तलवार, माँ के कटे हुए सिर से लटकते लंबे लंबे केश और गले में नरमुंडों की विशाल माला, माँ के पैरों के नीचे कामदेव और रति, माँ के दोनों ओर डाकिनी और शाकिनी, दोनों के हाथों में फरसा और गले में नरमुंडों की माला। दिल दहला देने वाला पर बेहद रहस्यमयी और तिलस्मी तस्वीर। कौन है ये सिर कटी देवी माँ? इनके हाथों में अपना ही कटा हुआ सिर क्यों है? माँ का ये रौद्र रूप क्या संदेश देता है? कामदेव और रति माँ के पैरों तले क्यों लेटे हैं और माँ की प्रतिमा के दोनों तरफ मौजूद डाकिनी और शाकिनी की भयावह प्रतिमाओं का रहस्य क्या है? इसकी पूरी कहानी आपके सामने रखेंगे, पर उससे पहले ये जान लीजिए कि ये महिमामय मंदिर है कहाँ। झारखंड के रांची से करीब 80 किलोमीटर दूर है रजरप्पा। रजरप्पा में है माँ छिन्नमस्तिका का भव्य मंदिर। इस मंदिर का इतिहास करीब 6000 साल पुराना है। कहते हैं कि रजरप्पा का छिन्नमस्तिका मंदिर महाभारत काल से भी पहले का है और इसे दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा शक्तिपीठ कहा जाता है। रजरप्पा नाम के पीछे छिपी है एक राजा और रानी की हजारों साल पुरानी वो कहानी जिसमें देवी छिन्नमस्तिका ने स्वयं जल से प्रकट होकर राजा और रानी को पुत्री रत्न का वरदान दिया था। ये पूरी कहानी भी आपको सुनाएंगे, पर उससे पहले इस भव्य और रहस्यों से भरे मंदिर का दर्शन कर लीजिए। झारखंड की राजधानी रांची से करीब 80 किलोमीटर दूर रजरप्पा में स्थित माँ छिन्नमस्तिका का यह मंदिर अपने आप में अनोखा है। भैरवी और दामोदर नदी के संगम पर स्थित इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यह दुनिया का सबसे बड़ा सिद्धपीठ है। माँ भगवती की 10 विद्याओं में माँ छिन्नमस्तिका का स्थान 5वां है। इस मंदिर की बनावट के बारे में कहा जाता है कि यह अष्टभुजीय मंदिर है और स्वयं भगवान विश्वकर्मा ने इस मंदिर का निर्माण किया था। एक ही शिला पत्थर को लेकर बनाए गए इस मंदिर के आसपास 7 मंदिर हैं और 7ों मंदिर में अलग अलग देवी देवताओं की प्रतिमा है। यहाँ का मनोरम दृश्य इतना खास है कि यहाँ पे बारिश के दिनों में और खासकर शरद ऋतु में यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं, यहाँ पे दर्शन करने आते हैं। रजरप्पा के माँ छिन्नमस्तिका का ये भव्य मंदिर जितना अद्भुत है उतना ही विस्मयकारी भी। यहाँ माँ के बिना सिर वाली प्रतिमा की पूजा होती है। देखिए माँ छिन्नमस्तिका मंदिर के अंदर स्थापित ये शिलाखंड जिसमें माँ की 3 आंखें हैं। अपना बायां पांव आगे की ओर बढ़ाए हुए वो कमल पुष्प पर खड़ी हैं। पुष्प के ऊपर और माँ के पैरों के नीचे विपरीत रति मुद्रा में कामदेव और रति लेटे हुए हैं। माँ छिन्नमस्तिका का गला सर्पमाला और मुंडमाल से सुशोभित है। बिखरे हुए और खुले हुए केश, जिह्वा बाहर, आभूषणों से सुसज्जित माँ का ये दिव्य रूप है।
माँ छिन्नमस्तिका के दाएं हाथ में तलवार और बाएं हाथ में अपना ही कटा हुआ मस्तक है। इनके अगल बगल में डाकिनी और शाकिनी खड़ी हैं, जिन्हें वो रक्तपान करा रही हैं और स्वयं भी रक्तपान कर रही हैं। इनके गले से रक्त की तीन धाराएं बह रही हैं। इस मंदिर के निर्माण काल के बारे में पुरातात्विक विशेषज्ञों में मतभेद है। धार्मिक मान्यता के अनुसार ये मंदिर करीब 6000 साल पहले बनकर तैयार हुआ था। कुछ श्रद्धालु इस मंदिर को महाभारत काल से जोड़कर देखते हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि असम की माँ कामाख्या मंदिर के बाद ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा शक्तिपीठ है। रजरप्पा मंदिर एक बहुत ही पुराना मंदिर है। हमारे पूर्वज बोलते आ रहे हैं कि आदि जगत गुरु शंकराचार्य 1100 ईस्वी में यहाँ पूजा किए थे। यहाँ सुकुमार बसु एक प्रख्यात तांत्रिक थे, जिसमें जो रजरप्पा मंदिर का डेवलपमेंट उनका बहुत बड़ा योगदान था। उन्होंने इसका प्लास्टर रिसर्च करवाया था, उस समय हम लोग 5000 साल के ऊपर बोले थे। मंदिर की पौराणिक मान्यता और इतिहास पर बात करने से पहले हम आपको इसकी बड़ी विशेषताओं से रूबरू करवा देते हैं। इस मंदिर का मुख्य द्वार पूरब मुखी है। मंदिर के सामने बलि का स्थान है। बलि स्थान पर रोजाना करीब 100 से 200 बकरों की बलि चढ़ाई जाती है। लेकिन हैरान करने वाला सच ये है कि इतनी बड़ी संख्या में बलि होने के बावजूद, इतना रक्त फैलने के बावजूद, यहाँ पर माँ के यहाँ पर दरबार में बहुत आदमी मनोकामना करते हैं, मानसिक करते हैं, बकरा बलि करते हैं। वहाँ पर जहाँ पर आपका अगल बगल आपका मक्खी नजर आएगा, जब बलि स्थल जहाँ बलि होता है वहाँ एक भी मक्खी नजर नहीं आएगा। ये सबसे बहुत बड़ा एक माँ का दया है, माँ का महत्व है ये दरबार में। रजरप्पा का छिन्नमस्तिका मंदिर मन्नतों और मनोकामनाओं का मंदिर है, उम्मीदों और आकांक्षाओं का मंदिर है, सिद्धि और शक्ति का मंदिर है। कैसे पूरी होती है यहाँ भक्तों की मुरादें, कैसे दूर होता है यहाँ रोगियों का कष्ट, कहाँ होती है यहाँ तंत्र की साधना और क्यों कहते हैं इसे चमत्कारों का मंदिर, देखिए। पहले के युग में जो है आप बोलता था धारणा, पत्थर रख के अंदर में मनोकामना के लिए लोग पत्थर रखते थे, दोनों दीर्घा था उसमें पत्थर रखते थे। जो भी मनोकामना होता था माँ के यहाँ कि माता ये आपके बोझ देके हम जा रहे हैं, जब पूर्ण होगा तो हम उसको बोझ को उतार लेंगे। उसी का परिप्रेक्ष्य में जब काफ़ी भीड़ बढ़ गई तो उसके बाद हम लोग उसको बाहर कर दिए और इस शिलाखंड बाहर में माँ के यहाँ मनोती मांग के बांधते हैं और जिसका पूरा होता है वो आके पुनः पत्थर खोल के नदी में प्रवाहित कर देते हैं। ही नदियों के संगम के मध्य में वो चमत्कारी कुंड भी है जिसे पाप नाशिनी कुंड कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो भी रोगी इस पाप नाशिनी कुंड में स्नान करता है वो रोग मुक्त हो जाता है और उसमें नव जीवन का संचार होता है। छिन्नमस्तिका मंदिर की दीवार 18 फीट गहरी है। यहाँ मुंडन कुंड, यज्ञ कुंड, वायु कुंड और अग्नि कुंड भी हैं। ये तमाम कुंड प्रकृति के पंच तत्वों का प्रतीक माने जाते हैं। मंदिर के पास दामोदर के द्वार पर एक सीढ़ी है। ये सीढ़ी करीब 5 दशक पुरानी है। इसे तांत्रिक घाट कहते हैं, जहां दुनिया भर से आने वाले साधक तंत्र और मंत्र की साधना करते हैं। ये घाट करीब 208 फीट लंबा और 20 फीट चौड़ा है। यहाँ से भक्त दामोदर में स्नान कर मंदिर में प्रवेश करते हैं। संगम में माँ है बैठे हैं, ऐसा संगम सारे भारत वर्ष में आपको नहीं मिलेगा। जैसे नदी हुआ ऊपर, नद हुआ नीचे, वही माँ के चरण तल में है। रति और काम विपरीत भाग में, रति ऊपर काम नीचे, ये नदी का महत्व है। यूं तो इस मंदिर में सालों भर भक्तों और साधकों की भीड़ लगी रहती है, पर नवरात्रि और दीपावली के समय यहाँ दुनिया भर से लोग तंत्र साधना के लिए आते हैं।